सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में देखते हैं क्या क्या फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। पहले हमारे पास बैलेंस है, पहले बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे क्या है, बाय बैलेंस सीडी। तो एक तरफ बीडी हो गया, एक तरफ सीडी हो गया। तो इधर हमारा दिया हुआ है 1,60,000 और इधर दिया हुआ है 1,45,000। ये हमने लिख दिया, ठीक है। बाय सेल्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय सेल्स में सॉरी बाय बैंक लिख देंगे ब्रैकेट में सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का बाय बैंक आ गया। उसके बाद जो हमने डिप्रिसिएशन लगाया हुआ है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000 रुपीज़। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हमारा हो जाएगा 18,000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मशीनरी हमारी बिक रही है कितने की बिक रही है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। दाम दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन घटा के निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा लॉस। यहाँ पे लॉस लिख दीजिए, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, टोटल आ जाएगा हमारा 17,000, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे तो आ जाएगा 185 इधर और 185 इधर, ठीक है। अब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है ये आपका परचेज को डिनोट करेगा, तुम्हारा परचेज आ जाएगा 25,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 1,60,000 बैलेंस बीडी ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। उसके बाद टू बैलेंस सीडी कर देते हैं, टू बैलेंस सीडी ये आपका हो गया 25,000, ठीक है। अब क्या हमारे पास है यहाँ पे कितने की मशीनरी मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगा है ना, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, मतलब मशीनरी हमने कितना जो सोल्ड मशीनरी है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने टू मशीनरी अकाउंट कर दिया, अब यहाँ पे लिख दिया 18,000 रुपये। तो ये हमारा बिकी हुई मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हो गया। अब जो हमारा कितना लॉस हुआ है वो निकाल लेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ये आ जाएगा आपका 13,000। फोर्टी थ्री थाउजेंड हाँ जी सर,
43,000, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और आप देखेंगे, आपको दिया हुआ है ये कैश एंड कैश बैलेंस तो दिया है, इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में दिया हुआ है ना। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एक अलग से हेड बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, कैश और बैलेंस जो करंट ईयर का है और जो लास्ट ईयर का है उसमें से माइनस कर देंगे, तो कैश एंड बैंक बैलेंस, दो लाख 44,000 और 1,00,000, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है उसको लिखेंगे, जो कि हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया हुआ है, वो हो जाएगा 22,000 रुपीस, और यहाँ पे 15,000 रुपीस को ऐड करके लिख देंगे, 2,66,000, नेक्स्ट ईयर 115, ये आपको यहाँ तक मिल गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाने के प्रोसेस में, तो इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, हाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग, अब हमारा ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम लोग एज अ एसेट्स करंट एसेट्स नहीं मानते हैं, ये हमारा कैश ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का आंसर अगर ये आ जाता है तो मतलब क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। तो अब ये वाला आंसर नहीं, जैसे हम लोग बताया ना कैश का आंसर आता है तो मान जाते हैं, ये वाला आंसर नहीं, अब ये वाला आंसर हम लोग को लेके आना। तो आते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो कैलकुलेट करेंगे। तो 2 साल का हमारा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, तो उस पर फोकस करेंगे, 60,000 है और इसमें से माइनस कर देंगे 8,000, टोटल आ जाएगा हमारा 60,000 भी हमारा उसमें लॉस में ही है, और चेक कर लेते हैं। टोटल जो हमारा यहाँ प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 68,000, कैसे हुआ है इसको समझ लेते हैं, कि 8,000 बिजनेस हमारा लॉस में था, ठीक है, पिछले साल, और इस साल का जो प्रॉफिट है 60,000 है, तो कैसे हुआ होगा, तो पहले हम जीरो जीरो पे आए होंगे, तो जीरो पे आए होंगे तो 8,000 रुपये कमाई होंगे, 8,000 रुपीज़ का इनकम हुआ होगा, तो 8,000 रुपये ये हो गया प्लस 60, तो यहाँ पे 68 होगा, तो गलती से भी यहाँ पे 60,000 मत लिखिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जब भी माइनस में आंसर दिया हो एक साल का और दूसरे साल का प्लस में दिया हो तो आप समझिए आप जीरो से नीचे हैं, जीरो से नीचे हैं, तो पहले जीरो तक पहुंचने के लिए आपने कितना पैसा कमाया वो आपका प्रॉफिट हो गया, प्लस जीरो के ऊपर कितना आपने कमाया वो आपका प्रॉफिट हो गया, तो उतना प्रॉफिट जब आप जोड़ते हैं तब जाके आप का वो टोटल प्रॉफिट आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अब इसमें कितना है 24,000 रुपीज़, उसके बाद है इंट्रीम डिविडेंड
इंट्रीम डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया है? 20,000 रुपीज। टोटल हमारा अमाउंट कितना आ गया? 1,12,000 रुपीज। तो देखिए इतना हमारा वर्किंग नोट है। तो देखिए कैश फ्लो, देखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अकाउंट्स में तो एक चीज़ समझ लीजिए, आपको वर्किंग नोट को क्वेश्चन का पार्ट लेके चलना है। जितना अच्छा वर्किंग नोट रहेगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है? तो वर्किंग नोट पे बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग एकदम क्लियर बना रहे हैं, वैसे एग्ज़ाम में भी चाहे कोई भी चैप्टर हो, 1, 2, 3, 4 कोई भी चैप्टर हो, वर्किंग नोट एकदम क्लियर बनाइए। अगर आपको लगता है कि वर्किंग नोट बुक में दिया है लास्ट में, तो लास्ट में बनाया कि शुरू में बनाया, तो मेरे हिसाब से वर्किंग नोट आपको शुरू में बनाना चाहिए। क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है ना, तो जब वो वर्किंग नोट देखता है तो उसको बार बार पेपर नहीं देखना पड़ता, वर्किंग नोट ही आपका पूरा आंसर दिखाता रहता है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ठीक है? तो वर्किंग नोट स्टार्टिंग से बनाते हुए आइए और नीचे क्वेश्चन लगाते हुए आइए, तो इससे एग्जामिनर को भी अच्छे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जो बच्चे 9500 पाना चाहते हैं उनके लिए ये प्लान बहुत अच्छा काम करेगा। अगर 100 मार्क्स तक पाना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो देखिए क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जो टॉपर्स की कॉपी होती है तो इस तरीके से ही उनके कॉपी डिज़ाइन होते हैं, और वैसे ही कॉपीज ISC को पसंद है, ठीक है? और CBSE में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। CBSE ISC दोनों ही ऐसी कॉपी पसंद करती है जहाँ पे पहले वर्किंग नोट्स पूरा लिखा हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने का प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है? तो ये उनके लिए है जो 100 और 90 का सोच रहे, 95 प्लस है, ठीक है? और जिनको केवल ठीक है हो जाएगा तो वो केवल क्वेश्चन नहीं लगाते, इतना ही बहुत है, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे तभी ये वर्किंग नोट वाली क्लियरिटी आपके अंदर आएगी। ये आप सोचिए कि हम आखिरी दिन पढ़ के कर लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तब ये चीज़ आपके अंदर ये क्वालिटी आएगी कि आपका वर्किंग नोट्स एकदम क्लियर बनना शुरू हो जाएगा। कि काफ़ी लोगों को हम देखते हैं कि क्वेश्चन लगाते समय वर्किंग नोट का उनका कुछ पता ही नहीं होता है, वो बस किसी तरीके से क्वेश्चन लगा देते हैं और वर्किंग नोट को इतना गंदा लिखते हैं जैसे लगता है कि वो रफ़ है, ठीक है? तो एग्जामिनर भी आपकी कॉपी को भी रफ़ की तरह ट्रीट करेगा फिर, इसलिए वर्किंग नोट को फेयर समझ के साफ साफ किया करिए। अगर आपको 100 तक जाना है तब नहीं, तो अगर केवल पास होना है तब तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन लगा दीजिए, पास तो एग्जामिनर कर ही देगा अगर सही किए हैं तो, ठीक है? तो हमारा कैश ये आ गया कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसको हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका नोट 1 है, यहाँ नोट 1 जरूर लिख दीजिएगा कि कहाँ से आंसर आया ये, ताकि एग्जामिनर को सर्च ना करना पड़े। एग्जामिनर को तो पता ही कहाँ से है, लेकिन आप लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है? उसके बाद है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब देखिए इसमें क्या स्थिति है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ऐड करना है हमें मॉर्टगेज, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन है, ठीक है? तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरेस्ट तो लिखा हुआ है, चलिए तो उसको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, ऐड इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 14,100 रुपीज़, ठीक
ठीक है, तो जितना भी पैसा खर्च करते हैं उसको जोड़ते हैं, ठीक है, तब जाके हमारा प्रॉपर प्रॉफिट आता है। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना है 17,000 रुपीज़। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो आपने निकाला हुआ है वो आपका आपके आ गया 13,000 रुपीज़। अब पूरा ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 156, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो इसमें आपको बताया था कि ऐड वाला चीज़ है, तो आप डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी साथ में भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, थोड़ा टाइम बचाने के लिए आप साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, और तो अच्छा भी लगता है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और उसी के साथ साथ आपने लिख लिया एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, इन्वेंट्री आ रहा है, पहले इन्वेंट्री लिख देंगे, इन्वेंट्री में हमारा आ रहा है 90,000 रुपीज़। और उसके बाद हमारा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इसका अमाउंट जो हमारा आ रहा है वो है 6,000 रुपये। दोनों अमाउंट को जोड़ के लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 25,000 रुपीज़। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे इसका आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को प्लस कर देंगे, तो प्लस करके देखते हैं कितना आता है, तो अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1,81,000 रुपीज़। तो ये हमारा प्लस करने के बाद आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमको लेस करना है, इंक्रीज इन लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो उसमें क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल इसमें आ जाएगा पूरा 11,000 रुपीज़। और कुछ है नहीं अपने पास, तो उसको यहाँ पे हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो आंसर टोटल हमारा आ जाएगा 1,00,000। एक मिनट, ये तो माइनस होगा ना, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,70,000 रुपीज़ फाइनल आंसर, सॉरी 1,70,000, कुछ गलत हो गया, देखिए ये 100 रुपीज़ यहाँ पे लाए, यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखे नहीं, तो यहाँ पे 100 आएगा, फिर जब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, तो आंसर आ रहा है 1,70,100 रुपीज़, 1,70,100 रुपीज़, ये हमारा आ गया। अब आते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें अपने पास, देखते हैं। बी ये हमारा दूसरा स्टेप है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें क्या क्या लिखना है, परचेज ऑफ
मशीनरी कितने का मशीनरी परचेस किया है? 25,000 का परचेस कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, इसीलिए माइनस में लिख देंगे। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ मशीनरी, सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, सेल ऑफ मशीनरी। इसीलिए कहते हैं ना, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और बगल में वर्किंग नोट रखिए और क्वेश्चन लगाते चले जाइए। ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसका हम लोग फाइनल बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ रहा है। 20,000 रुपीज़ ये हमारा माइनस में आ गया। ठीक है, अब करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, पॉइंट नंबर सी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए, हेडिंग डालना मत भूलिएगा, हेडिंग लिखते जाइएगा कौन कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, और जितना भी आपका फाइनल आंसर आता जाएगा वो आप आउटर कॉलम में लिखते चले जाइएगा, तो वहाँ तक का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। पहला है जो हमने ये प्रोसीड मतलब सेल किया है 12% मॉर्गेज लोन को, प्रोसीड्स ऑफ 12% मॉर्गेज लोन अमाउंट आ रहा है 35,000 रुपीज़। उसके बाद है जो हमने इंटरेस्ट पे किया है मॉर्गेज लोन पे, अब उसको दिखाएंगे कितना इंटरेस्ट पे किया है। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन। तो जो हमने इंटरेस्ट पे किया है मॉर्गेज लोन पे वो टोटल पे किया हुआ है 14,100, जो कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 14,100 रुपीज़। उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड। अब देखिए इंटरिम डिविडेंड कितने का है, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये हो गया 20,000 रुपीज़ का हमने इंट्रीम डिविडेंड पे किया है। तो उतना अमाउंट क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ये हो गया इंट्रीम डिविडेंड। तो टोटल हमारा जो माइनस करने के बाद आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो आ रहा है हमारा 900 रुपीज़। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है 900 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका यहाँ वाला मतलब आउटर कॉलम वाला आंसर क्लियर कर देंगे, जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट, आप लोग जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, पूरा अमाउंट यहाँ ये अमाउंट उसमें से ये माइनस करना है, उसमें ये प्लस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा देखिए, 20,100। हाँ, 151,000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, 151,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद जो हमारा उधर अमाउंट था उसको अब देखना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो
बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था वो देखेंगे। तो बिगिनिंग में जो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो था 1,15,000 रुपीज़ का, वो हम लोग ने वर्किंग नोट में दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको ये लिखना है, इन बिगिनिंग लिख दे रहे हैं। तो इन बिगिनिंग जो पैसे थे वो हमारे 1,15,000 रुपीज़ के थे, तो 1,15,000 यहाँ पे लिख देंगे, तो टोटल आपका आंसर 266 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर आपका वो आंसर 266 आ जाता है तो आंसर सही है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, हम लोग तो बहुत आराम आराम से लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम में आपको स्पीड से लगाना होगा। ठीक है।